हेलो एवरीवन वन इन टूडेज लेक्चर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी वी विल कंटिन्यू अबाउट द हर्स्ट रिटर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी लास्ट लेक्चर में हम हर्स्टिड रिटान न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं एंड हम पढ़ चुके हैं कि हर्स्टिड रिटान न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी में टेन uh, टेस्ट इंक्लूड होते हैं जिनमें अफीजिया स्क्रीनिंग टेस्ट हॉस्टेड कैटेगरी टेस्ट टेक्टूर परफॉर्मेंस टेस्ट शीशो रिदम टेस्ट स्पीच राउंड टेस्ट फिंगर उन्सी टाइम सेंस टेस्ट पर दस टेस्ट हॉस्टेड रिटर्न बैटरी में इंक्लूड होते हैं अब हम इन सभी टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फर्स्ट है अफीजिया स्क्रीनिंग टेस्ट किसी भी व्यक्ति में भाषा को बोलने समझने और लिखने की अक्षमता को कहा जाता है और किसी भी व्यक्ति में भाषा को समझने लिखने और बोलने की अक्षमता उसके ब्रेन में डैमेज होने की वजह से या उसके ब्रेन में डिसफंक्शन होने की वजह से होती है इन दिस टेस्ट इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंटेड विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड टास्क दैट वुड बी इजी फॉर समवन विदाउट इंपेयरमेंट अफेजिया स्क्रीनिंग टेस्ट में अफेजिया को ही टेस्ट uh, किया जाता है कि व्यक्ति में अफेजिया है या नहीं है इस टेस्ट के लिए इंडिविजुअल के सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और टास्क प्रेजेंट किए जाते हैं जिनसे की बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाता है कि पर्सन के ब्रेन में कोई इम्पेयरमेंट है या नहीं है या उसको अफेजिया हुआ है या नहीं हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ टेस्ट आइटम इंक्लूड वर्बली नेमिंग पिक्चर्स राइटिंग द नेम ऑफ अ पिक्चर विदाउट अलाउड रीडिंग प्रिंटेड मटेरियल ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ repeating words stated by the examiner, simple arithmetic problems, drawing shapes without lifting the pencil, and placing one hand to one area on the opposite side of the body. तो अफेशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आइटम इंक्लूड होते हैं, वो यहाँ बताए गए हैं। तो ये आइटम हैं कि सब्जेक्ट uh, को या इंडिविजुअल को पिक्चर्स uh, का नाम वर्बली बोलकर बताना होता है। कुछ एक आइटम होते हैं जिनमें की आ, उसको, आ, किसी भी दिखाई गई पिक्चर का नाम लिखना होता है बोल बिना बोले यानी कि उसको उसका नाम बहुत तेज बोलना नहीं है सिर्फ उसको पिक्चर देखनी है और पिक्चर में दिए गए आइटम का नाम उसको राइट डाउन करना होता है कुछ एक आइटम होते हैं जहां पर उसको इंक्रीजिंग लेंथ में प्रिंट हुए मटेरियल को पढ़ना होता है इसके अलावा रिपीटिंग वर्ड्स स्टेटेड बाय द एग्जामिनर एग्जामिनर जो भी वर्ड्स बोलता है उनको रिपीट करना होता है एग्जामिनर के पीछे सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है uh, बिना पेंसिल को उठाए कुछ एक शेप्स को ड्रॉ करना होता है और एक हाथ से अपने बॉडी के ऑपोजिट सॉरी अपनी बॉडी के ऑपोजिट साइड में अपने एक हाथ को रखना होता है यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट right साइड के बॉडी पार्ट को टच करना होता है और राइट right हैंड से लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को टच करना होता है तो इस तरह के टास्क या टेस्ट अफीजिया स्क्रीनिंग टेस्ट में इंडिविजुअल से करवाए जाते हैं दूसरा जो टेस्ट है वो है द हार्स्टेड कैटेगरी टेस्ट इट इज अ नॉन वर्बल टेस्ट दैट मेजर्स अ पर्सन'स एबिलिटी टू फॉर्मुलेट एब्स्ट्रेक्ट प्रिंसिपल तो हार्स्टेड कैटेगरी टेस्ट एक नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें किसी भी पर्सन की एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को बनाने की एबिलिटी को मापा जाता है दो सौ आठ स्टिमुलाय होते हैं जिनको की वन बाय स्लाइड पर दिखाया जाता है इच टेस्ट आइटम सजेस्ट नंबर रेंजिंग फ्रोम टू फोर हर एक टेस्ट आइटम में नंबरिंग uh, देनी होती है जो कि एक से चार की रेंज में होती है द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू डेटरमाइन और गैस अ पर्टिकुलर नंबर बेस्ड ऑन देयर कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेड बाय द स्लाइड अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि uh, उसको एक पर्टिकुलर नंबर गैस करना है जो कि उसको स्लाइड पर दिखाए जा रहे हैं उन नंबर में से एक नंबर को

और उन लीवर्स के ऊपर वन से फोर तक नंबरिंग की हुई होती है यानी कि वहां चार लीवर दिए गए होते हैं और उन चार लीवर में से एक लीवर को उस पर्सन को प्रेस करना होता है डिप्रेस्ट द करेक्ट नंबर अगर जो इंडिविजुअल है या जो सब्जेक्ट है वो करेक्ट नंबर को प्रेस करता है तो एक रिंग की आवाज उसको सुनाई देती है वन ऑफ द इनकरेक्ट नंबर ए बजर विल साउंड और अगर इनकरेक्ट नंबर को प्रेस करता है वो पर्सन तो फिर एक बजर की आवाज उसको सुनाई देती है यानी दोनों साउंड जो है वो डिफरेंट होती है अगर राइट right आंसर देगा तो uh, डोर चाइम की आवाज उसको सुनाई देगी और अगर वो रॉन्ग नंबर देगा तो बजर की साउंड उसको सुनाई देगी बेस्ड ऑन दिस फीडबैक सॉरी बेस्ड ऑन दिस फीडबैक करेक्ट और इनकरेक्ट द पेशेंट मस्ट डिटरमाइन द अंडरलाइन प्रिंसिपल इन ईच ऑफ सेवन डिफरेंट सब टेस्ट तो उनकी फीडबैक uh, के बेस पर यानी कितने करेक्ट आंसर देता है सब्जेक्ट और कितने इनकरेक्ट आंसर देता है उसके uh, बेस पर पेशेंट uh, का रिजल्ट तैयार किया जाता है इस टेस्ट की स्कोरिंग टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितने करता है पेशेंट उसके बेस पर डिसाइड की जाती है नेक्स्ट है टेक्टुअल परफॉर्मेंस टेस्ट इंडिविजुअल तो uh, को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है यानी पट्टी बांध दी जाती है उसकी आंखों के ऊपर और उसके सामने एक फोम बोर्ड रखा जाता है जिसमे की अः टेन कट आउट शेप्स होते हैं यानी अ uh, दस शेप होते हैं जिनमें अः uh, हम कह सकते हैं कि खाली वो शेप्स बनाए गए होते हैं और टेन वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिन वुडन ब्लॉक्स को उन शेप्स के अंदर मैच करना होता है इंडिविजुअल टू यूज ओनली देयर डोमिनेंट हैंड टू प्लेस द ब्लॉक्स इन देयर अप्रोप्रिएट स्पेस ऑन द फोम बोर्ड फिर इंडिविजुअल को बोला जाता है कि जो भी उनका डोमिनेंट हैंड है यानी जो राइट हैंडेड पर्सन है वो राइट right हैंड से और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो लेफ्ट हैंड से उन वुडन वुडन ब्लॉक्स को उन कट आउट शेप्स के अंदर रखेंगे द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड यूजिंग ओनली द नोन डोमिनेंट हैंड एंड देन यूजिंग बोथ हैंड इसके बाद सब्जेक्ट uh, को उसके नॉन डोमिनेंट हैंड से सेम प्रोसीजर रिपीट करने के लिए कहा जाता है एंड आफ्टर दैट दोनों हाथों से उसको वही सेम प्रोसीजर uh, करने के लिए कहा जाता है कि कट शेप्स के अंदर वुडन ब्लॉक्स को मैच करना है इंडिविजुअल इज द फोम बोर्ड एंड द शेप्स इन देयर प्रॉपर लोकेशन इसके बाद फोम uh, बोर्ड को और ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने के बाद ब्लाइंड है और इसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि उसको याद करके फोम बोर्ड को ड्रा करना है और शेप्स को प्रॉपर लोकेशन प्रॉपर लोकेशन में दिखाना है द टेस्ट यूजली टेक्स एनी वेयर फ्रॉम फिफ्टीन टू फिफ्टी मिनट टू कम्पलीट

दे दी जाती है और उनको वो साउंड सुनाई जाती है अब हर एक पेयर पेयरिंग में साउंड उसको सुनाई जाती है हर पेयर को इंडिविजुअल के सामने प्रेजेंट किया जाता है और सब्जेक्ट को वो दो साउंड सुनकर ये बताना होता है कि दी गई साउंड सेम है या डिफरेंट है अगर सेम लगती है तो उसको अपनी शीट शीट आंसर पर S लिखना होता है अगर डिफरेंट लगती है तो डी लिखना होता है द पेयर्स आर ग्रुप्ड इन टू थ्री सब टेस्ट तो सारे पेयर्स को तीन सब टेस्ट में डिवाइड uh, कर दिया जाता है दिस टेस्ट इज ऑल्सो द दीशो रिदम टेस्ट

ये किसी भी सब्जेक्ट के अटेंशन uh, को मापता uh, है और कंसंट्रेशन को मेजर करता है इसके अलावा नॉन वर्बल साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की एबिलिटी को भी मेजर करता है द टेस्ट हेल्प्स डिटेक्ट ब्रेन डैमेज बट नोट द लोकेशन ऑफ डैमेज शीशो रिदम टेस्ट ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बट डैमेज की लोकेशन को नहीं डिटेक्ट कर पाता है कि ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज हुआ है ये हमें नहीं पता लग पाता है शिशो रिदम टेस्ट से एडिक्वेट हियरिंग एंड विजुअल एबिलिटीज आर नीडेड टू टेक दिस टेस्ट इस टेस्ट को करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट की हियरिंग एबिलिटी और विजुअल एबिलिटीज एकदम ठीक होनी चाहिए तभी इस टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ करेक्ट आइटम्स विद हायर स्कोर इंडिकेट लेस डैमेज और गुड रिकवरी तो स्कोरिंग करेक्ट आंसर्स की संख्या के ऊपर बेस्ड होती है जितना ज्यादा जितने ज्यादा करेक्ट आइटम्स होंगे उतना ही uh, उतनी ही एबिलिटी uh, रिदम uh, उतना ही रिदम टेस्ट uh, जो है uh, वो एक तरीके से हम कहेंगे कि पर्सन में नॉन वर्बल साउंड को डिटेक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है अगर हाई स्कोर आता है तो डैमेज कम हुआ है और रिकवरी अच्छी हो रही है पर्सन की स्कोर शुड बी इंटरप्रेटेड अलोंग विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर टेस्ट तो शीशो रिदम टेस्ट के स्कोर्स को हास्ट्रीड रिटर्न बैटरी के दूसरे टेस्ट के साथ कंपेयर करके इंटरप्रेटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीच, स्पीच साउंड प्रेसेप्शन टेस्ट। 60 टेप रिकॉर्डेड नॉनसेंस स्लेबर्स कंटेनिंग द साउंड, ए, फॉर एग्जांपल मिर एंड वीम आर प्रेजेंटेड। यहाँ पर सब्जेक्ट के सामने uh, 60 टेप रिकॉर्डेड न� Slables को प्रेजेंट किया जाता है और मोस्टली उनमें ई e की साउंड आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल यानी कि उनका जिनका कोई मीनिंग ना हो इस तरह के वर्ड इस तरह की साउंड उनके सामने प्रेजेंट की जाती है और उन वर्ड्स में ई e की साउंड आना जरूरी होता है एग्जाम्पल यह, यहाँ दिया है मियर वीम इस तरह के वर्ड्स या साउंड उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं। आफ्टर ईच स्लेबली इंडिविजुअल इंडिविजुअल the हर एक स्लेबल को प्रेजेंट करने के बाद इंडिविजुअल को चार लिखे हुए स्लेबलीस uh, के सेट में से एक को अंडरलाइन करना होता है यानी कि जो स्पेलिंग उनको लगता है कि सुने हुए स्लेबली uh, से मैच करती है उस स्पेलिंग को अंडरलाइन करना होता है दिस टेस्ट इवैलुएट्स ऑडिटरी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन एंड द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वर्बल साउंड ये टेस्ट भी सब्जेक्ट की ऑडिटरी अटेंशन यानी कि वो जिन साउंड को सुन रहा है उन फोकस कितना है उसका कंसंट्रेशन कितनी है और वर्बल साउंड के बीच में वो अंतर कर पाता है या नहीं कर पाता इस एबिलिटी को मेजर करता है

रिदम टेस्ट के जैसे ही सेम इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की जाती है नेक्स्ट है फिंगर ऑसिलेशन टेस्ट इंडिविजुअल्स प्लेस देयर डोमिनेंट हैंड पाम डाउन फिंगर्स एक्सटेंडेड विद द इंडेक्स फिंगर रेस्टिंग ऑन अ लीवर दैट इज अटैच्ड टू अ काउंटिंग डिवाइस यहां पर इंडिविजुअल या सब्जेक्ट को कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इन इंस्ट्रक्शन में उसको अपने डोमिनेंट हैंड की पाम को एक जगह पर रखना होता है अपनी उंगलियों को फैलाना होता है और अपनी इंडेक्स फिंगर को एक लीवर के ऊपर रखना होता है जो लीवर एक काउंटिंग डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है

से लीवर को प्रेस करना है और अपने हाथ और आर्म को एकदम स्थिर रखना है यानी अपने हैंड और आर्म को हिलाना नहीं है ओनली इंडेक्स फिंगर से ही लीवर को प्रेस करना है दिस ट्रायल इज रिपीटेड फाइव टू टेन टाइम्स अंटिल द एग्जामिनर हैज कलेक्टेड काउंट्स फॉर फाइव कंजिक्यूटिव ट्रायल्स डेट आर विद इन फाइव टेप्स ऑफ इच अदर इस ट्रायल में पांच से लेकर दस बार रिपीटेशन होती है यानी पांच से दस बार रिपीट किया जाता है ट्रायल्स को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि सब्जेक्ट लगातार पांच बार लीवर को कंटिन्यू बिना गलती किए प्रेस नहीं कर देता है बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट इंडिविजुअल्स आर गिवन अ प्रैक्टिस सेशन इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट को

ये सारा प्रोसीजर पर्सन के नॉन डोमिनेंट हैंड से रिपीट किया जाता है द टेस्ट टेस्ट टेक्स एप्रोक्सीमेटली 10 मिनट टू कंप्लीट नॉर्मली इस टेस्ट को कंप्लीट करने में दस मिनट का समय लगता है नेक्स्ट है ट्रेल मेकिंग टेस्ट दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट पार्ट ए इज अ पेज विद 25 नंबरड सर्कल्स रैंडमली अरेंज्ड इस टेस्ट के दो पार्ट होते हैं पार्ट ए में एक पेज होता है जिसमें कि रैंडमली असाइन रैंडमली अरेंज करे हुए uh, 25 नंबरों के सर्कल होते हैं इंडिविजुअल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ड्रा लाइंस बिटवीन द सर्कल इन इंक्रीजिंग सिक्वेंशियल ऑर्डर अंटिल दे रीच द सर्कल लेबल्ड एंड अब सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में uh, सर्कल में लाइन ड्रॉ करनी है और तब तक करनी है जब तक कि वो एंड लिखे हुए सर्कल पर नहीं पहुंच जाते हैं पार्ट बी इज अ पेज विज पार्ट बी में क्या होता है एक पेज होता है जिसमें कि नंबर्स एंड लेटर्स दोनों मिक्स होते हैं यानी कि पार्ट uh, ए में ओनली नंबर्स दिए गए रहते हैं पार्ट बी में नंबर्स एंड लेटर्स दोनों दिए गए रहते हैं और सर्कल्स में लेटर्स uh, ए से लेकर एल तक लेटर्स होते हैं और थर्टीन नंबर होते हैं यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर uh, में सर्कल ड्रॉ uh, करना होता है सॉरी uh, यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लाइन ड्रॉ करनी होती है सब्जेक्ट को ड्रॉ करके सर्कल्स को कनेक्ट uh, uh, करना है और नंबर्स uh, एक बार नंबर एक बार नंबर uh, के बाद उनको लेटर के ऊपर उस लाइन को लेके जाना है और नंबर और लेटर को अल्टरनेटिवली नंबर और लेटर तक ले जाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक लाइन ड्रॉ करनी है जब तक वो एंड सर्कल पर नहीं पहुंच जाते हैं इफ इंडिविजुअल्स मेक मिस्टेक्स द मिस्टेक आर क्विकली ब्रॉट टू देयर अटेंशन एंड कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट करेक्ट सर्कल अगर सब्जेक्ट कोई मिस्टेक करता है तो uh, मिस्टेक को तुरंत नोट कर लिया जाता है और उनको दोबारा से जो करेक्ट सर्कल था वहीं से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जहां तक उसने करेक्ट लाइन ड्रॉ की थी वहां से उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है से दस मिनट इस टेस्ट को कम्प्लीट करने में लगते हैं नेक्स्ट है क्रिटिकल फ्लिकर फ्रीक्वेंसी इन दिस पेशेंट नोट फ्लिकिंग लाइट बिकम स्टी अब इस टेस्ट में सब्जेक्ट या पेशेंट को यह नोट करना होता है कि एक फ्लिकरिंग लाइट कब स्थिर अवस्था में आती है यानी एक लाइट जो मूव कर रही है वो कब स्थिर अवस्था में आएगी द टेस्ट मेजर विजुअल तो विजन के प्रत्यक्षण को या विजुअल परसेप्शन को ये टेस्ट मेजर करता है तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है क्रिटिकल uh, फ्लिकर फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट है टाइम सेंस टेस्ट पेशेंट्स जज विदाउट लुकिंग द द टाइम इट इज़ फॉर सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच टू मेक सेवरल रिवोल्यूशन द टेस्ट मेज memory एंड स्पेशल perception. टाइम सेंस टेस्ट में पेशेंट को बिना टाइम देखे ये बताना होता है कि वोच में जो सेकंड्स वाली सुई है वो कितना टाइम लेती है या फिर कितनी बार घूमती है ये उसको बिना टाइम देखे या बिना वोच की तरफ देखे बताना होता है टाइम सेंस टेस्ट जनरली मेमोरी को मेजर करता है और स्पेशल परसेप्शन को मेजर करता है स्पेशल परसेप्शन से मतलब पेशेंट के साइज शेप और प्लेस से रिलेटेड परसेप्शन से होता है यानी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर चीज की पोजीशन साइज और शेप की कितनी अच्छे से पहचान कर पाता है नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्चुअल टेस्ट दिस टेस्ट डिटेक्ट्स वेदर इंडिविजुअल आर अनेबल टू परसीव स्टिमुलेशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी व्हेन बोथ साइड्स आर स्टिमुलेटेड तो सेंसरी टेस्ट नॉर्मली ये डिटेक्ट करता है कि पेशेंट uh, की uh, जब दोनों तरफ की बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है तो uh, क्या पेशेंट सिर्फ अपनी एक तरफ की बॉडी में ही स्टिमुलेशन फील करते हैं या बॉडी के दोनों तरफ उसको स्टिमुलेशन फील हो रही है टेस्ट में नॉर्मली टेक्टाइल ऑडिट्री और विजुअल कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं जिनमें नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल या पेशेंट की टच साउंड और विजिबल uh, मूवमेंट को टेस्ट किया जाता है कि जब उसकी बॉडी uh, के राइट right साइड में लेफ्ट साइड में और राइट uh, right और लेफ्ट दोनों साइड में एक साथ uh, जब किसी तरह की मूवमेंट uh, या स्टिमुलेट किया जाता है बॉडी uh, के uh, दोनों साइड को तो उस पर्सन को uh, कितना ज्यादा टच फील हो रहा है साउंड कितनी वो फील कर रहा है या फिर मूवमेंट uh, को वो अपनी बॉडी में किस तरफ ज्यादा फील कर रहा है या uh, दोनों साइड वो सेम फील कर रहा है रिकॉल नंबर असाइन टू पर्टिकुलर फिंगर्स द एग्जामिनर असाइन नंबर बाय टचिंग ईच फिंगर एंड स्टेटिंग द नंबर विद द individual's eyes closed. यहाँ इंडिविजुअल uh, को फिंगर्स पर लिखे हुए नंबर uh, की पहचान करनी होती है रिकॉल नंबर को पर्टिकुलर uh, फिंगर के ऊपर असाइन कर दिया जाता है एग्जामिनर नंबर्स uh, को uh, हर एक फिंगर पर टच करके असाइन करता है और सब्जेक्ट uh, को अपनी क्लोज्ड आईज से उन नंबर की पहचान करनी होती है आइडेंटि रिटर्न टिप्सड तो सब्जेक्ट को अपनी क्लोज uh, आई से फिंगर टिप को टच uh, करके लिखे हुए पहचान करनी होती है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ अ वन ब्लॉक प्लेसड इन वन हैंड बाट हैंड अब एक फोम बोर्ड पर वुडन uh, ब्लॉक्स रखे गए होते हैं जिनकी शेप अलग अलग होती है और अपने एक सब्जेक्ट के एक हाथ में वुडन ब्लॉक्स को रख दिया जाता है और उसको अपने अपोजिट हाथ से उन वुडन ब्लॉक्स की पहचान करनी होती है नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ द हास्ट्री रिटर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी रिलाडिटी ऑफ बैटरी की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत सारी फैक्टर्स से इफेक्ट होती है मेनली अगर सब्जेक्ट की मूड स्टेट की हम बात करते हैं तो मूड स्टेट से भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी uh, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है किसी भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की स्पेशली um, एंजाइटी uh, और डिप्रेशन की वजह से हॉस्टिड रिटर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इफेक्ट होते पाया गया है रिजल्ट में भी कंफ्यूज बाय मेडिकेशन इफेक्ट और सेम इसी तरीके से रिजल्ट uh, वेरी कर सकते हैं uh, अगर पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है उस टाइम पर तो मेडिकेशन की इफेक्ट की वजह से कई बार कंफ्यूजन आ जाता है पेशेंट में या ड्राउजीनेस आ जाती है तो उसकी वजह से रिजल्ट वेरी कर सकते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी में तो आप ये जितने भी सब टेस्ट बताए गए हैं इनकी इमेजेस आप देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू हर एक सब टेस्ट का नाम लिख के कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ये आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं एंड यहां रेफरेंसेस दी गई थैंक यू